यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं दिल्ली से लूट की दो बड़ी वारदातें सामने आई हैं। दिल्ली के दो अलग अलग हिस्सों में बदमाशों ने तांडव किया और साथ ही यहां पर पुलिस हाथ मसलती रह गई। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली आदर्श नगर की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली के रोहिणी की है। यहां पर रोहिणी सेक्टर 8 की तस्वीर है जहां चोरों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया। सबसे पहले बात आदर्श नगर की करते हैं जहाँ HAR ज्वेलर्स के शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और जब ज्वेलरी शॉप के मालिक हेमंत ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने हेमंत की गोली मारकर हत्या कर दी। हम आपको सीसीटीवी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आदर्श नगर से, जो सीसीटीवी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। इसी दौरान की तस्वीरें हैं लूट की वारदात को जब अंजाम दिया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो दूसरी तस्वीर चोरी की रोहिणी के सेक्टर 8 की है जहाँ पर बदमाशों ने एक नामी ज्वेलरी शोरूम में काम कर रहे शख्स को बंधक बनाकर करीब 27 लाख की लूट को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। मैं भी यहाँ से आते थे मार्केट से आ रहा था सर, और जब मैंने देखा यहाँ पे बहुत भीड़ थी, मैंने सोचा कि वो सीलिंग तक कर लेंगे। मैंने किसी इंसान से उनसे पूछा, उसने कहा कि यहाँ पे कुछ हादसा हो गया, मर्डर हो गया, किसी गोली किसी को मार दी, कोई सुना की दुकान है। सर जिनको गोली लगी वो क्या काम करते थे? सर मुझे नहीं पता, बस यहाँ पे सुनार की दुकान है, HAR ज्वेलर्स का हुआ है शॉप पे। अच्छा, और मैंने पढ़ा तो पता चला कि सुनार की दुकान है। मुझे ये पता था दुकान में 3-4 जने आए हैं और भाई को गोली मार दिया और मैक्स हॉस्पिटल ला गया। भाई साहब तो मैक्स गया हूँ, दुकान बंद करके सीधा मैक्स पहुँचा हूँ। बता रहे हैं भाई आप कि 5-6 निशान हैं गोली के, अब कितना है क्या है पता नहीं। तो गोली मार दें, ठीक है, सीधा सीधा हाथ ऊपर करके अंदर की तरफ चल दें। 11,500 अराउंड हमारा केस था। पुलिस ने आ गया, हमारा सारा इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ उन्होंने आगे ACP DCP सभी आए, फाड़वाड़ का निकाल के DVR हमारा निकाल के ले गए, ठीक है। बाकी दो स्टैंड हो गए जो कॉर्नर पे रेड लाइट पे कैमरा लगा हुआ, उससे उनके आ गई है फुटेज।